हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी और साथ में चिकन। वैसे तो इसमें चोखा और चटनी भी अच्छा लगता है। वेजिटेरियन लोग चोखा और चटनी से भी खा सकते हैं, मगर हम बना रहे हैं इसे आज चिकन के साथ। तो आज इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आटा और उसमें डाल देंगे नमक और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है लिट्टी को। और फिर उसमें धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे, और पानी डालते एक ही बार में आप ना डालें। इसमें हम पानी धीरे धीरे डालेंगे और इसे सॉफ्ट एक डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि वरना जब आप उसके लिट्टी बनाओगे तब वो फटने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि आप इसे दबाओ तो इस तरह का दिखे, दैट्स व्हाई। और फिर इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे। आप चाहो तो बाद में भी लोई बना सकते हो इस तरह का, मगर हम पहले ही बना के रख रहे हैं। और फिर हम इसका अंदर का मसाला भी बना लेंगे। तो मसाला के लिए क्या तैयार करना है वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो लोई बना के साइड कर लेते हैं। और फिर हम एक कटोरी ले लिए हैं, उसमें मिर्ची डाल रहे हैं, और मिर्ची के बाद उसमें अदरक डालेंगे और लहसुन साथ ही साथ, और ये उसके साथ प्याज। प्याज का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ मैं। आप अगर चोखा बनाते हो तो यही सारे चीज़ें चोखे में भी जाएगी, चटनी में भी जाएगी। साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से क्या होगा, इसका जो अंदर का मॉइस्चर है वो बाहर आ जाएगा और थोड़ा सा गीला गीला हो जाएगा, जिससे क्या आप जब सत्तू डालोगे इसमें तो सत्तू में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा, इसी के साथ वो मिक्स हो जाएगा। साथ ही साथ हम अचार डाल रहे हैं। अचार घर का बना हुआ नहीं है, और ये बाहर का अचार, खरीदा हुआ अचार है। इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देने का है। उसके बाद इसमें हम धनिया पत्ता डालना भूल गए थे, फिर से हम धनिया पत्ता लेके आए, उसे चॉप किया हुआ छोटा करके उसमें धनिया पत्ता भी डाल देंगे। सारे को आप जितना ज़्यादा बारीक काटिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चाहो तो आप फूड प्रोसेसर में भी इसे डाल के काट सकते हो। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लो, जिससे इसके सारे मॉइस्चर बाहर आ जाए। बीइंग अ इंडियन, हमारे हाथों के बिना तो काम नहीं चलता, तो मैं यहाँ चम्मच हटा के हाथ से इसे मसल दी थी, जो कि वीडियो में मैं दिखाई नहीं हूँ, बट इस आप हाथ से मसलोगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा। अब इसमें हम अजवाइन डाल दे रहे हैं, जिससे कि आपको अगर किसी सत्तू से बहुत कोई को होता है ना कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे सत्तू, और सत्तू को क्वान्टिटी आप जितना मसाला ले रहे हो, मतलब जितना प्याज वगैरह आप डाले हो जितना, उतना ही क्वांटिटी में सत्तू डालेंगे हम, मतलब हाफ एंड हाफ। ठीक है, अब इसको जब सत्तू इसमें आ जा रही है तो उसको भी मैं हाथ से ही मसलूंगी, चम्मच से अच्छे से नहीं होता है। हम वीडियो के लिए दिखाते हैं चम्मच से करना, मगर नहीं होता। ये देखिए, मैं हाथ से इस तरह से मसल ले रही हूँ, जिससे कि सत्तू और मसाला एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप उसके बाद टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको नमक वगैरह कम लगता है या मिर्ची वगैरह कम लगता है तो आप वो ऊपर से डाल सकते हैं, मगर हमारे घर में मिर्ची थोड़ा सा कम खाता है, इसलिए मैं बस हरा मिर्ची डाली हूँ। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च की जो पाउडर होती है वो भी डाल सकते हो। अब हम यहाँ लोई ले लिए हैं। लोई को हम इस तरह से गोल कर ले रहे हैं, जिससे नीचे का जो हिस्सा है वो पतला रहेगा और ऊपर का हिस्सा मोटा रहेगा, जिससे कि हम ऊपर मोड़ेंगे तो ये, अब ये लोई जो है, लोई जितना बड़ा है उतना ही आपको मसाला भी लेना है। आप चाहो तो मसाला को गोल भी करके हाथ से दबा दबा के गोल कर ले सकते हो, उसके बाद भी डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि जो आपका आटा है उसका लेयर बहुत पतला रहेगा, और जो मसाला है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा उसमें आएगी। अब हम यहाँ पर लकड़ी में इसको पकाने वाले हैं, तो इसके लिए हम बहुत सारे लकड़ी एक साथ रख दिए हैं और नीचे में न्यूज़पेपर लगा के इसको जला दिए हैं। और साथ ही साथ हमारा यहाँ लोई भी बनके तैयार हो गया है, और सारे लोइयों को हम यहाँ पर देखिए, चटनी भी बनाई थी मैंने, तो थोड़ा सा टमाटर भी मैंने इसमें जलने के लिए डाल दिया था। अब यहाँ पर एक इस तरह का छन्नी को रख देना है, और उसके ऊपर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके भी लगा सकते हो, यानी कि ईंटा आप डाल सकते हो, जिससे कि ये छन्नी थोड़ा सा ऊपर हो जाए। अगर आपका आग ज़्यादा
पूरा डायरेक्ट आग में हम नहीं डालते हैं, इसको अंगार बनने के लिए हम छोड़ते हैं। और इस तरह से देखिए हम सारे जितने भी लिट्टी बनाए हैं वो सारे को हम यहाँ पर डाल देंगे और उसे पलट पलट के बार बार हम पलटेंगे, जिससे कि ये दोनों तरफ से होने लगेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर आग ज़्यादा था, इसलिए हम बाद में साइड में ईंटा लगा के नेट को थोड़ा सा ऊंचा कर दी थी। अब ये देखिए इस तरह से लिट्टी को पलटते जाना है। और बहुत कोई ऐसा होता है कि आग में डायरेक्ट डाल देते हैं, पर उससे क्या होता है ना, फिर उसको अंगार जो ब्लैक ब्लैक उसमें लग जाता है तो उसको फिर छुड़ाना पड़ता है, तो हम इस तरह से ही बनाते हैं। तो ये हमारा लिट्टी जब बन जाएगा तब आप देखोगे कि ये साइड साइड में फटने लगा है। जब फटने लगा मतलब ये समझो कि अंदर से ये पूरी तरह से बन चुका है। ये देखिए हमारा लिट्टी बनके तैयार है। और चिकन की रेसिपी आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल में पहले से ही मैंने झटपट बनने वाला चिकन डाला हुआ है, मैं उसी प्रोसेस से ये चिकन बनाई थी और साथ में लिट्टी, बहुत अच्छा लगा था। आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और